देखो ये खत्म हुआ, अब देखो खेल ही नहीं सकता गेम मादर। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं दो नॉक होता। कर दिया हूँ। सेकंड गेम मादर चूज सैनोक में सेंटर पकड़ना है। लौड़ा तुम्हारे बाप का घर है सैनोक मादर चूज। तेरी माँ चुदा रही को तो सेंटर है घर पे नहीं ना। अबे तो तू सैनोक में सेंटर तो खेल ही नहीं सकता, वो तो भी इनके ये माँ चुदा ने लौड़ा रोटेशन 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 मार्क्स का बाप रोटेशन देता मार्क्स तू चक्कर। समझाने का कोशिश कर, मेरे से समझा बात अपने कराओ जानू इसको। से बात सेंटर कर। तो मत ही समझाओ खेल अबे सैनोक लौड़ा, में। समझाओ कब तक बहन चोद। चूती ऐसा ग्रुप में समझाता हूँ मदर चोद हर रोज। मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद आइडिया नहीं। स्ट्रीम मैं बोलता हूँ कि स्ट्रीम करेंगे चुपचाप खेलेंगे। अरे नहीं हमारा परफॉर्मेंस में कैसे परफॉर्मेंस, तुम तो स्ट्रीम नहीं करो मैं कर रहा हूँ। नहीं हमें ऑडियंस मार चुते, तुम्हारी मार चोदनी चाहिए ऑडियंस। देखो चल सुन, लौड़ा मैं अभी स्टार्ट किया हूँ स्ट्रीम, मैं खेलने जा रहा मेरे को एक मेरे को हूँ। बात बता सिंपल सा। लौड़ा फिनाटिक कहला में कोई भी टीम में खेलता तो लौड़ा टीम परफॉर्म क्यों करती है। माधव जो मैं टी क्यू ले पाता हूँ, टीम जीतती क्यों है 10-15 किल के साथ। माँ की चूत इस टीम में लैंड क्यों नहीं है कुछ चीज। अरे तो तू उसको वही बोल रहा हूँ ना, तू बता ना उनको कि अबे तू पीछे लौड़े 10 बार खेल, बता दिया हूँ, दस बार तो तेरे को बता मेरी दिया, दस बात बार करा दस दस बार समझाता हूँ फिर। मैं माधव चूत। उसके बाद अगर पीछे खेलूंगा क्या बोलते, तू आगे जाना, हम आगे जा मर जाएगा। फिर तू पीछे पीछे क्यों रहे, टीम के साथ रहना अरे चूत इनकी। अरे तो वैसे थोड़ी ना होगा भाई, चिल थोड़ा कर लन तू, टीम है माधव चूत। चिल कर तू तू पर तू तो को आराम बट से गुस्सा अभी गायब अभी मत दिमाग हो। ठंडा कर तू तो अपना चैरिटी थोड़ा टीम ही है सा। वो भी, कौन चैरिटी सी चूत इनकी मादर मेजर चूत। टूर्नामेंट थोड़ी ना जो तेरा लॉस हो अरे रहा है। लौड़े का हर रोज का रंडी रोना है माधर चूत। अभी बोला रात को खेलने का, क्या बोला, मैं हम लोग रात तक नहीं खेल सकते, हमारे घर वाले मार चोदते हमारी भोसड़ी वाले, प्रैक्टिस तो जरूरत है भाई, अगर ठीक करना है तो। हमारे घर वाले मार चोदते हमारे, हम नहीं खेल सकते। तुम्हारी माँ की चूत अगर 2 बजे से कस्टम चालू हो रहा है, तेरे बाप कस्टम ऑर्गेनाइज करता है 11 बजे सुबह के। सुबह तो कोई नहीं कस्टम्स करता अभी। अगर दोपहर के 2 से लेकर रात के 2 तक अगर पूरी इंडिया खेल रही है, तुम नवाब की चोद हो के माधर चोद। भाई क्या बोलूं मैं आपको, चोद और कोच की तो माँ का भोसड़ा लंड पे कोच माधर चोद। इनकी माँ की चूत और अपनी माँ का अरे भोसड़ा। अरे शांत भाई, स्ट्रीम पे मैं शांत हो जा शांत साले। हो जा थोड़ा। देखो स्काउट साइड सॉरी, इट्स कम्प्लीटली ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई अगर मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे बहन को अगर ऐसा पब्लिक के सामने गाली देगा, मेरे से तो खेलने नहीं होगा उसके साथ, सिंपल एट दैट। अगर मेरी माँ को और मेरी बहन को कोई इतनी गाली, मेरे बाप को इतनी कोई गाली देगा, सिंपल, अगर मैं सुबह 10 बजे आता हूँ प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग, तो मैं 10 से रात के 12 बजे तक खेलूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकता हूँ। अगर मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है हर चीज़ के लिए कि तू खेल ले बेटा, तू खाना खा ले, तू नमाज़ पढ़ ले, तो मैं 12 बजे के बाद नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझे सुबह नमाज के लिए उठना होता है, और अगर मैं 2 बजे सोऊंगा तो मैं सुबह नहीं उठूंगा, सिंपल एज दैट। तो मैंने क्लियरली बोला कि मैं सुबह 10 से रात के 12 बजे तक जितना खेलना है खेलूंगा। आप बताओ गाइस क्या गलत बोला मैंने? अगर मैं गेम को 14 घंटा दे रहा हूँ तो कम है वो, और मैं हर एक गेम खेलता हूँ, हर एक गेम जो गेम खेलनी है। मेरी तबीयत खराब है बिकॉज ऑफ सम रीजन जो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं खेला नहीं उस दिन, और उस दिन जो भी था उसकी सीओडी की टूर्नामेंट थी, उसने ऑलरेडी 4 दिन या 5 दिन पहले ही बोल दिया था कि मेरी सीओडी की टूर्नामेंट है। ठीक है, सीओडी की टूर्नामेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट पड़ा है कि उसने पहले से बोल के रखा है कि उसकी सीओडी की टूर्नामेंट, तो भाई हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला पीएमपीएल स्क्रीम सी बात है, मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत पेन हो रहा है तो मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो मैं नहीं खेला। और वो अपनी स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे बोलता है कि प्लेयर बीमार है इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, और इसलिए मैं सीओडी की टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। भाई प्लेयर सब ठीक थे, ऐश भी ठीक था, फ्रेंकी भी ठीक था। ऐश फ्रेंकी तुम ठीक थे कि नहीं थे? थे एकदम तू ना? फिर भी वो उधर जो भी हैंडल बोला, हाँ जो भी बोला, 3 मैन ठीक खेल हो सकते थे, गए हाँ 3 मैन खेल सकते थे, बट उधर बात आई कि नहीं, ही चूज सीओडी ओवर पबजी। जो भी है मुझे बुरा लगा, क्योंकि ही ऑलवेज हम लोग को बोलता है कि भाई तुम पीएमपीएल सर पे, तुम पीएमपीएल सर पे प्रैक्टिस करो, ये करो। तो भाई अगर पीएमपीएल सर पे है तो तू सीओडी टूर्नामेंट क्यों खेलने जाएगा, जबकि स्क्रीम्स है, ठीक है, जबकि स्क्रीम्स है, वो खेल सकता है स्क्रीम जो भी है। और 2 बजे वाली बात गाइस, वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें चोदते हैं, मतलब व्हाट इज दिस वर्ड्स, मतलब ये क्या है? अगर मेरे घर वाले सुन रहे हैं ये, मेरी माँ को इतनी गाली दे रहा है वो, मेरी डैडी को इतना सब कुछ बोल रहा है,
अगर तेरे को कुछ बोलना है मुझे बोल। तू हर बार लाइव जाएगा, तू लोगों को पब्लिक में गाली दे देगा उनके माँ बाप के साथ, उनके माँ बाप की, ठीक है, और फिर तू बोलेगा आई एम सॉरी। ठीक है तेरा रेज इशू है, मेरे को भी पता है, मैं भी उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, उसका रेज इशू है, पर मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरे माँ बाप को कोई बोल के जाए कि तेरे तेरे बेटे को जैसे तेरे को कोई इतना गाली दे रहा है। मैं अगर उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ भाई, सिंपल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से ट्राई करूँगा। ये कोई मेरे को किसी को नीचा दिखाना या ऐसा कुछ मेरे में नहीं है, मेरे को बस खुद का पॉइंट प्रूव करना है, वरना मैं फिर से कभी गलत प्रूव। एक टाइम था सोल का टाइम पे भी हम लोग ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, बट मैंने मॉर्टल से, हम लोग ने जब जो सीन हुआ उसके बाद मैंने मॉर्टल से बात की, हम दोनों साथ में बैठ के कॉल पे रोए, ठीक है, मैं और मॉर्टल ने 1 घंटा बात की, और वो हमारी दोनों की गलती थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, वरना हमारा कभी कुछ सीन नहीं होता। उसकी उसने उसके साइड से भी उसने समझा नहीं, और मेरे साइड से भी मैंने कुछ समझा नहीं, सिंपल है। हम लोग ने दोनों ने 1 घंटा कॉल पे रोए है, और हम लोग हर रोज डेली बात कर रहे हैं। कितना मतलब हर्ट हुआ, खुद मेरे को भी बहुत हर्ट हुआ कि अगर हम बात कर लेते दोनों। घर वालों को बहुत खराब लगा जो भी है, कि अगर घर वाले गाली सुनेंगे तो खराब लगेगा ऑब्वियसली, और माँ बाप की इतनी गंदी गंदी गाली तो नहीं होगा भाई, पॉसिबल नहीं मेरे को है। तो बोल रहे फैनेटिक छोड़ दे, क्या करूँ अब मैं? बोल रहे मत खेल इससे यार, मैं तो कुछ किया भी नहीं, भी फिर भी इतना, देखो अब घर जस्ट उसके एक घर महीना वाले हुआ है मेरा टीम में आया हुआ, सोचो कौन बोल रहा है, फ्रैंकी बोल रहा है, क्या। उसके घर वाले बोल रहे हैं उसको अच्छा फैनेटिक छोड़ ओके, दे। गाइस वही बात है ना यार, फिर घर वाले अगर ऐसा, अभी ये जनरेशन इतने छोटे छोटे बच्चे ही गेम में आ रहे हैं, और आते साथ अगर ऐसे इस बिहेवियर में चले जाएंगे तो फिर उनके घर वाले उनको कैसे खेलने देंगे। उनके घर वाले तो बोलेंगे भाई सब कुछ ख़त्म करो, तू पढ़ाई में आ जा बेटा, मेरे को मेरे घर वाले बोलते तू पढ़ाई में आ जा, तू क्यों ये सब कर रहा है। ये चीज हो गई थी बात की, ठीक है भाई तेरे को नहीं जम रहा, तेरे को जैसा गेम स्टाइल पसंद है हम वैसा खेलेंगे, तेरे को लगता है पैसे हो गया हम एकदम एग्रेसिव खेलेंगे, और हम एग्रेसिव खेले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से जो भी चल रहा है, ये सब जैसा ये चाह रहा है वैसा हम लोग खेल रहे हैं। मैं भी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ मैंने बिल्कुल खुद उसके हिसाब से। पर औरंग भाई को बोला कि तुम कुछ नहीं बोलना, अब ये स्काउट जैसे बोल बोल रहा है उसको खेलने दो, उसको उस तरीके से खेलना है, हम जेलअप कर लेंगे, हम उसके साथ खेल लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और हमने इसी इसी किया। दौरान की बात है, हम लोग अगर हमारे गन फाइट वीक होता है, इतनी बार हमारे पर ब्लेम आया है, ऑडियंस भी बोली है भाई गन फाइट वीक है, गन फाइट भाई गन फाइट वीक कैसे हो सकता है यार, गन फाइट वीक आपने 3 4 बार आपने देखा होगा, उस दिन 2v4 किया जब यूएमई के साथ फाइट थी, एक बार सोल सोल भी पुश करी उसके साथ भी 2v4 हुआ, हम लोग जीते वो फाइट। फिर उसी दिन पहली बार हुआ जब हम लोग उसके उस ये दिन था या उससे अगला दिन था, पहली बार हुआ कि 19 के साथ जो हमारा चिकन डिनर निकला था, तो भाई पैसिव खेल के काम करके आपको पोजीशन कैसे मिल सकती है और आपको किल्स कैसे मिल सकते हैं, मेरे को ये सिंपल समझा दो, ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आती। और जब हम मान चुके हैं भाई ठीक है तेरे को नहीं जम रहा,
ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, ड्रॉप पॉइंट नहीं जम रहा, लूट नहीं, वो भी 5-6 ड्रॉप पॉइंट दे दिए भाई, यहाँ भी जा सकता है वहाँ, जो बोला उसके हिसाब से अपने अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड किया, मॉडिफाई किया, तेरे को जैसा खेलना है तो खेल, एकदम फ्री है, तेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको ना भाई तू समझ भाई बात को, तू मेरे को गाली दिए जा रहा है, पीसी का प्लेयर ये चूतिया है, इसको ये नहीं आता, अरे भाई ये सब बोल के थोड़ी कोई फायदा होगा रात में शांति से बैठ के पूरा एकदम आराम से मैं ट्राई करूंगा सब सॉल्व हो जाए सब, जैसे जैसे पीएमपीएल या जो भी है ये खत्म करके फिर जिसको जैसा जम रहा है वो अपना रास्ता चूज करे, सिंपल एज दैट। क्यों यार खुद में ही झगड़ा करना है, खुद में ही एक दूसरे में भड़ास निकालना है, मेरे को समझता नहीं है यार, एट द एंड तो सबको खेलना ही है। अभी मेरा सिंपल पॉइंट ये था कि स्काउट भाई अगर तू झगड़ा ही कर रहा है तो फिर तू हमारे साथ खेल भी तो हमारे साथ ही रहा है ना, एट द एंड।